हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव मम्मी। आज हम बना रहे हैं समोसे। ये चिकन के समोसे हैं और ये किस तरीके से बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन समोसा बनाने के लिए हमने ये चिकन ले लिए, इसे हम बॉईल कर देंगे। ये चिकन लेग है, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और एक कप पानी डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे। अभी हम ये हमारा कुकर बंद कर लेंगे और इसे दो सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। हम तेल गरम करेंगे दो चम्मच, इसमें ज़ीरा डालेंगे और ये अनियंस फाइनली चॉप है इसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको फास्ट गैस पे कुकिंग करनी है। अभी ये हमें समोसे की फिलिंग बनानी है, इसलिए हम इसमें तेल थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये अनियंस हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए, आपको मीडियम गैस पे अच्छे से ब्राउन करना है और इसमें शाइन भी आ गई है। अब इसमें हम एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमने चार हरी मिर्ची ग्राइंडर में क्रश कर लिए, हम वो डाल देंगे। इसे आपको दो बार व्हिप करना है और आपकी हरी मिर्ची इस तरीके से बारीक हो जाएगी। अब ये हमारे बॉइल्ड चिकन है, इसे डाल देंगे। हमने इसे रेशे निकाल लिए, आपको मोटे मोटे रेशे निकालने। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन बॉईल करने के टाइम पे भी नमक डाला है और अनियंस में भी नमक डाले। एक चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये एवरेस्ट का तीखा लाल रेड चिली पाउडर है। हम ये दो चम्मच डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच होममेड गरम मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ड्राई मसाला बनाना है क्योंकि हमें इसे समोसे में भरना है। आप थोड़ा इसे मैश कर लीजिए। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, हरी प्याज, आपको अच्छी क्वांटिटी में हरी प्याज डालना है और इसे मिक्स कर देना है। समोसे में हरी प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको कम ऑयल में ही बनाना है, अदरवाइज जब आप समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे में से तेल निकलेगा। इसके लिए आपको बहुत कम ऑयल में ही बनाना है इसको। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, बस अभी इसे हम ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने मैदा और पानी मिक्स करके स्लरी बना लिए, जो हम अपने पड़ पे चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा मसाला है। अब हमारी समोसे की शीट लेंगे हम, इसे एक साइड से हम फोल्ड करेंगे ट्राइंगल शेप में, दूसरे साइड से कोन बना लेंगे इस तरीके से। अब इसमें फिलिंग करेंगे, आपको एक चम्मच भर के डालना है इसमें। अब सामने की तरफ से आप फोल्ड करिए, सामने की तरफ से आपको स्ट्रेट फोल्ड करना है और उसके बाद ये स्लरी जो है हम वो लगा लेंगे, इसमें पैक कर देंगे। ये हमारा समोसा रेडी हो गया है, आपको अच्छे से पैक करना है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। पहले ट्राइंगल शेप में लेना है, फिर इसका कोन बनाना है, फिर इसके अंदर फिलिंग डालना है। इस तरीके से ज़्यादा स्टफिंग आती है इसके अंदर। मसाले को अंदर प्रेस कर देंगे। अब इसे दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। अब इधर स्लरी लगा देंगे हम। ये हमारा ट्राइंगल रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। ये हमारे समोसे रेडी हो गए, अब इसे हम फ्राई करेंगे। आपको मीडियम गैस पे इसे फ्राई करना है। हम इसे स्लो गैस पे आराम से फ्राई होने देंगे। अब इसे हम फ्लिप करेंगे। ये हमारे समोसे अच्छे से रेडी हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए। ये हमारे क्रिस्पी समोसे रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।